हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों हेडबुस, दोस्तों पहले तो मैं बोलना चाहूँगा मेकर्स से, वाई इतना लेट क्यों? 21 अक्टूबर को रिलीज है, आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे, परसों फ्राइडे को ये मूवी रिलीज हो रही है। अभी तक एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है हेडबुस। भाई मेरे, ये एक कनाडा इंडस्ट्रीज की मच अवेटेड मूवी है। इसकी बज देखनी है ना, जाके सोशल मीडिया ट्विटर पे देखो क्या बज है। रियली बता रहा हूँ, मैं बहुत नाराज़ हूँ यार टीम से। इसकी एडवांस बुकिंग मंडे को ओपन हो जानी चाहिए थी, बट यार अभी तक इसकी एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है सर। वाई हेडबुस, धनंजय सर, ओहो क्या एक्शन सीन से उनका यार, उनका क्या स्वाग एटीट्यूड, बंदे ने ना पूरी स्क्रीन फाड़ दी मोबाइल की। सोचो बड़े स्क्रीन पर आएंगे तो क्या क्या फटेगी, और एडवांस बुकिंग में इतना लेट। रियली बहुत अपसेट हूँ दिल से यार। अब तक यार एडवांस बुकिंग हो खुल जानी चाहिए था यार। छोड़ो यार मुंबई शहर तो छोड़ो, खुद बेंगलुरु में इसका एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है। देखा मैंने बुक माई शो पे यार, रियली चेक किया यार, क्या बज क्रिएट कर रहे हैं आप। ऐसा क्रिएट करोगे बज, ऐसा क्रिएट करोगे क्या होगा, घंटा कुछ नहीं होने वाला। मैं इस मूवी को देखने के लिए यार इतनी एक्साइटेड हूँ। मैं ऐसा लगा ही नहीं था कि 21 अक्टूबर को कोई मूवी मैं देखूंगा। मेरे को लगा यार 21 अक्टूबर को तो कोई मूवी रिलीज है ही नहीं, तो अपन क्या देखेंगे, घंटा कुछ देखेंगे, कुछ है ही नहीं। एक हॉलीवुड की मूवी थी ये हफ्ते में, मैं बोला यार हॉलीवुड की तो ऐसे भी देखता नहीं हूँ, ऐसे भी इंग्लिश मूवी मेरे को पसंद नहीं है, सो जाता हूँ थिएटर में। फिर यार फिर देखा ट्रेलर हेडबुस, ओहो इसका ट्रेलर देखने के बाद तो दिमाग में एक ही वर्ड आया, भाई इस मूवी को देखूंगा इंग्लिश सबटाइटल के साथ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। लेकिन यार एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है, एडवांस बुकिंग ओपन कर ही नहीं रहे मेकर्स। इतनी बड़ी मूवी है, पायल राजपूत, धनंजय सर, ये दो बड़े सुपरस्टार साउथ इंडस्ट्रीज के, लेकिन एडवांस बुकिंग में लेट। खैर जो भी हो दोस्तों, मेरे को जहाँ तक पता है हो सकता कल थर्सडे है, कल का दिन एडवांस बुकिंग ओपन हो। लेकिन एक अच्छी मूवी की एडवांस बुकिंग एक दिन पहले लेट चालू करोगे तो यार मज़ा नहीं आता। एडवांस बुकिंग से ही मालूम चलता है कि कितना बज है मूवी का, क्या क्रेज है, क्योंकि ऑडियंस जो इंटरेस्ट ज़्यादा आती है एडवांस बुकिंग में उससे पता चलता है। अगर हम ओकोपेंसी की बात करें तो एडवांस बुकिंग से ही मालूम चलता है कि क्या ओकोपेंसी हुई है मूवी की। खैर जो भी हो, बहुत लेट हो रही है टीम की तरफ से। मैं चाहता था कि यार जल्दी से ओपन हो जाए ताकि थिएटर्स में पता चले कि आखिर कहाँ पे स्क्रीन मिला है, मुंबई शहर में कौन कौन जगह पे मिला, गोरेगांव। ऐसे तो मेरे को पता है कि ये जो एरिया बांद्रा यहाँ पे मुश्किल है, गोरेगांव में मिल सकता है, अंधेरी में मिल सकता है, ये जगहों पे इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो सकती है। बट अभी तक ओपन हो तब ना यार, मतलब कि एक्साइटमेंट जो है ना अपने अंदर, उसकी रिवार्ड लग रही है ना एडवांस बुकिंग जब तक ना खुलेगी, वाट लग रही है ना भाई। तो मैं ये चाहता हूँ मेकर से कि जल्द से जल्द एडवांस बुकिंग ओपन करें आप, खासकर मुंबई शहर में, क्योंकि यहाँ पे कनाडा ऑडियंस बहुत हैं। आपको पता ही है कांतारा रिलीज हुई थी ना, तब मेरी आंखें फट गई थी देख के सिर्फ कर्नाटका ऑडियंस को। रियल बता रहा हूँ, मेरे को लगा ही नहीं था कि इतने भी बसे हुए हैं यहाँ मुंबई में। अब कसम बता रहा हूँ, देख के मैं पागल हो गया था, क्या ऑडियंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना भी कर्नाटका मूवी ना कन्नाडा मूवी ना बहुत ज़ोरों से चलने वाली है, और हेडबुस को लेकर ना फुल एक्साइटेड हूँ दोस्तों। और आप लोग कितना एक्साइटेड हो आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और हाँ जल्द से जल्द एडवांस बुकिंग ओपन करें प्लीज़ मेकर से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ। बस भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।